और ये हमारा प्लेट जो है ये रेडी हो चुका है। देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ये आलू दम है। हाँ, क्या बात है। और वो मिक्स सब्जी, ये पनीर का साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा नहीं है, बट मीडियम साइज़ है, बढ़िया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आया हूँ आर एन मुखर्जी रोड और यहाँ पे मैं लंच करने वाला हूँ, जो बहुत सारा वैरायटी है इनके पास, एक अंकल के पास, और बहुत ही साफ़ सुथरे से बना के रखे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इनके पास आइटम है। तो अंकल, आपके पास क्या क्या आइटम है नॉर्मली? वेज राइस होगा। वेज राइस है, ओके। चना मसाला होगा। थोड़ा उठा के दिखाइए ना जरा, चना मसाला, वाह। और ये तड़का काली डाल, वाह। ये आलू दम है, वाह क्या बात है। और वो मिक्स सब्जी, इसमें क्या क्या बढ़ता है नॉर्मली? मिक्स सब्जी में गाजर है, अच्छा, बीन्स है, अच्छा, कैप्सिकम है, अच्छा, पनीर हल्का रहता है, हल्का पनीर रहता है जी। और ये क्या है? चना दाल। ये चना दाल। और ये क्या है? बटर पनीर। बटर पनीर, वाह वाह वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। एक प्लेट अगर राइस लेते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा? दो किस्म सब्जी आएगा, क्वार्टर बाटी। अच्छा, इस बाटी में दो की टाइप का रहेगा? दो किस्म खाने से यहाँ दो किस्म मिलता है, क्वार्टर बाटी। अच्छा, तो एक प्लेट अगर राइस लेते हैं और दो सब्जी लेते हैं तो क्या प्लेट प्राइस होगा आपके यहाँ? 40 रुपया। और सब्जी कौन कौन सा रहेगा नॉर्मली? 6 किस्म है, दो मिलेगा, आधा आधा करके दो किस्म मिलेगा। कोई भी दो मिल सकता है? कोई भी दो मिल सकता। अगर हम सारा सब्जी लेते हैं तो 60 रुपीज़, ओनली 20 रुपीज़ सब्जी का लगा, तो अच्छा है। तो आप एक काम कीजिए, मेरे लिए एक प्लेट लगा दीजिए, सारा सब्जी लगाइएगा, ठीक है? और मैं आपका नाम पूछना भूल गया, आपका नाम क्या है वैसे? मोनमोतो डेली। मोनमोतो डेली, वाह। और यहाँ पे कितने दिन से लगा रहे हैं आप दुकान? हाँ, ज़्यादा दिन नहीं है, हमारा मालिक है, बहुत दिन से है, 25 साल हो। 25 साल से। देख सकते हैं राइस जो है कितना फ्रेश है। हम यहाँ पर 5 साल। 5 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? किसी दुकान किसी और का ही है? दुकान किसी का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप दीजिए। कौन सा सब्जी लगे? जो आपको लगे कि बहुत अच्छा है नॉर्मली। ये पनीर का रोज। अच्छा, रोज़ आपका जो है मेन्यू चेंज होता है कि एक ही रहता है? ये वाला चेंज होता है, ये वाला मेन्यू चेंज होता है, सिर्फ पनीर वाला चेंज होता है, पनीर वाला चेंज, बाकी सब सेम। ये सब के 5 किस्म है। हाँ, ये सब एक ही रहता है। अच्छा, ये सब सेम रहता है? सेम रहता जी। पनीर वाला खाली हर दिन चेंज रहता है, आज बटर पनीर हुआ, कल चिली पनीर हो सकता है। अच्छा अच्छा, ये आलू दम है ना? वाह, प्याज और ये मिर्च। और ये हमारा प्लेट जो है ये रेडी हो चुका है, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा प्लेट रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको ट्राई करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं, ये आलू दम है और ये चना मसाला और बटर पनीर और मिक्स वेज ये सब्ज़ी है, और इसके साथ अचार है और राइस है, प्याज भी दिया है भैया अंकल ने और मिर्च भी दिया है साथ में, इसको ट्राई करेंगे। और साथ साथ चम्मच है, सबसे पहले ये आलू दम को ट्राई करता हूँ, इसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद साथ में खाएंगे, पहले अलग अलग टेस्ट कर लेते हैं। वाह, आलू दम है, इसका साथ जो मसाला है ना बिल्कुल अलग नहीं है, मिक्स है पूरा, और बड़ा ही टेस्टी लग रहा है, मसाला का स्वाद ज़्यादा आ रहा है इसमें, और आलू जो है पूरा बढ़िया से पका हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। चना मसाला को ट्राई करते हैं 2 पीस कि कैसा है। माइंड ब्लोइंग, इसका भी कोई जवाब नहीं है। बहुत जगह मैं चना मसाला खाता हूँ, वहाँ से काफ़ी अलग है यहाँ पे। अभी मैं बटर पनीर ट्राई करूँगा, ये पनीर का साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा नहीं है, बट मीडियम साइज़ है, बढ़िया है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही बढ़िया,
अभी भेज, अभी ये वाली सब्जी ट्राई करते हैं, मिक्स भेज, इसमें बरबट्टी और गाजर है और एक छोटा छोटा पनीर भी अंकल ने दिया है, इसमें देख सकते हैं इसमें भी पनीर है, तो साथ में ट्राई करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप अगर बड़े से कोई रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो तो इतनी सारी सब्जियां हैं और चावल है उसके साथ अगर खाते हो तो नॉर्मली 150-200 रुपया तो आपका लग ही जाएगा, ठीक है। अगर आप लोकल दुकान में खाते हो तो इस तरह का लोकल दुकान में अगर खाते हो, यहाँ पे और भी काफ़ी सारा दुकान है, तो 60 रुपीज़ में मिलता है आपको। तो हर कोई चाहता है अपना पैसा बचाएं और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी पैसा बचे, जहाँ की 200-250 रुपये का जगह पे अगर मेरा 60 रुपये में काम हो रहा है तो और क्या चाहिए मेरे को। और टेस्ट भी इसका बिल्कुल बिल्कुल अलग है, मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है घर का खाना है। तो राइस को ट्राई करते हैं, इसमें गाजर है और बरबट्टी है, कैप्सिकम भी मिला हुआ है। और चलिए इसको ट्राई करते हैं, राइस को सबसे पहले सूखा राइस खाते हैं इसे। वाह, जिस तरह हम लोग पुलाव खाते हैं ना, सेम उसी तरह इसका टेस्ट है। अब इस चम्मच को रखता हूँ और हाथ से ट्राई करता हूँ कि जब तक हाथ ना जाए तब तक मज़ा नहीं आता है। उंगली में अगर खाना ना लगे, मसाला ना लगे तो फिर मज़ा नहीं है। तो सबसे पहले आलू लेते हैं, आलू और मसाला साथ में मिक्स करते हैं, साथ में मिक्स करते हैं और ये हमारे मुंह में जा रहा है। मांग बुरा याद जो है, वाह। चलिए दो भाई मिले हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे आप खाना ट्राई करते हैं कि नहीं, सब कुछ बताएंगे भैया खुद ही। ये भैया लग रहे हैं लोकल हैं, ड्रेस से लग रहा है यहाँ का लोकल है। तो सबसे पहले भैया आप, बड़े भैया आप नाम बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार साहू है। और आपका? लक्ष्मण है। लक्ष्मण है और हम आपको जानते हैं, द कोलकाता बॉयज, हम आपका देख लिया। थैंक यू, इसीलिए मैं आपका देख लिया, इसीलिए आपके पास आया। थैंक यू भैया, मेरे को अच्छा लगा। नहीं, यहाँ का तो रिव्यू अच्छा है, स्ट्रीट फूड में खाना हम लोग भी खाए, बेस्ट है, हम लोग की लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब सारा अफोर्डेबल है, सारा हम लोग प्रेम में हो जाता है। हम अपना खाना उना जब भी होता है खा लेते, रोज तो नहीं खा पाते, मतलब मंथ में 5-6 बार तो हो ही जाता है, ऐसे तो घर का ही खाना प्रिफर करते हैं, बट लोकल में हम लोग आके खा लेते हैं और अच्छा है। और आप लोग का काम भी अच्छा है, थैंक यू। और इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं भैया, हम देखे हैं अच्छी जगह, बहुत धूप में हर चीज़ में अपना ट्राई करते हैं। जी जी, कुछ नया ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं और अच्छा लगता है इनका चैनल, हम लोग हर चैनल देखते हैं इनका, अभी उतना ग्रो नहीं किया बट हमको लगता है कि ये 1 मिलियन 2 मिलियन जल्दी हो जाएगा, हमको जैसा लगता है। और सही में आप अच्छा काम कर रहे हैं, बस करते चलिए, मोस्ट वेलकम। तो भाइयों थोड़ा मैं खा लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ और सारा लोकेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो कैसे आओगे। तो यहाँ का जो मिक्स भेज सब्जी है वो मेरे को कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। तो दोस्तों अगर आप आना चाहते हो, आर.एन. मुखर्जी रोड है ये वाला, और ठीक सी एस सी ऑफिस के अपोजिट में ही अंकल जो है बैठते हैं अपना दुकान लेके, छोटा सा ठेला लेके। ये अंकल थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन इनका काम बोलता है, जितना अच्छा से खाना बनाए थे ये, बहुत ही पसंद आया मेरे को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।